हम आपको किसान फोक्स के माध्यम से लाइव दिखा रहे हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा से ठीक आपकी सीधा लाइव दिखा रहे हैं रानी सती मंदिर केड में। मंत्री साहब, आपका जो कार्यक्रम था, देख रहे हैं कि हर क्षेत्र से 10-12 ग्राम पंचायत से काफ़ी लोग बाग आ रहे हैं, तो आज की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग का आपका क्या, किस वजह से मीटिंग रखी गई थी? देखिए, 18 जनवरी को 11:30 बजे पायलट साहब, हिंदुस्तान के युवा हृदय सम्राट सचिन पायलट साहब हमारे उदयपुर वाटी और शेखा वाटी की सरजमीन पर पधार रहे हैं, तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाए, वेलकम किया जाए, खैर मुकदम किया जाए। और इसके लिए मैं हमारे बड़ा गांव, हमारे असलसर, नाटा, सीथल, बजावा, छऊ और खिवासर, छावसरी और बाटीवाड और केट सभी पंचायतों के, लगभग 10 पंचायतों के हमारे कार्यकर्ता, जो मेरे भाई से भी बढ़कर है, इन सारे कार्यकर्ताओं को मैंने यहाँ उस मीटिंग के बारे में हमने विचार विमर्श किया, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, किस तरीके से हम मीटिंग को सफल बनाएंगे। और उसके लिए सारे विचार विमर्श करने के लिए राजस्थान का हमारे पूरी शेखावाटी का नौजवान, शेखावाटी का बुजुर्ग, वाल्मीकि समाज से लेकर 36 कौम के लोग इस किसान सभा को सफल करने के लिए पूरी जी जान से इसके लिए हम लगाएंगे। और सभी से मैं आपस में कोई भी कार्यक्रम करे, उससे पहले मैं मेरे ये दोस्तों से, मेरे बड़े और छोटे भाइयों से बैठ के जो एक चर्चा करता हूँ, वो चर्चा हमने की। और हमने कार्यक्रम तय होने के बाद सबसे पहले मैं हमारे लोगों के पास आया, मेरे भाइयों के पास, परिवार के लोगों के, मेरा परिवार है, और परिवार से बैठ के मैंने डिस्कस किया। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, सबसे पहले घर के लोगों से बैठ के डिस्कस होता है, वैसा ही बैठ के कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है। इसमें सारे नौजवान, शानदार कार्यक्रम होगा। और मैं बताना चाह रहा हूँ, राजस्थान की धरती पर इसको, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, लोग इसको याद करेंगे। मंत्री साहब, इनके पायलट के अलावा और कौन कौन लोग आएंगे? देखिए, इसके अंदर हमारे, मेरी बात हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री विजेंद्र जी ओला साहब से भी हुई, दीपेंद्र सिंह जी हमारे पूरे विधानसभा अध्यक्ष, वो भी बता रहे, डॉक्टर जितेंद्र जी खेतड़ी से आ रहे, काफी विधायक मंत्री खूब लोग आएंगे। पायलट साहब का आज तक का शेखावाटी में पहली किसान सम्मेलन, पहली मीटिंग है, तो क्या अनुमान है आपका संख्या बल और गेदर? राजस्थान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रोजिना मंत्री, विधायक, आपका कार्यकर्ता ने, आपकी टीम ने, जनता ने ले जाए, मैं कहते दिन का अनुभव आयोग कहते 10-15 साल में से दिल्ली चलो और कहे जयपुर चलो, आयोग कहते थार कर आयोगे मैं कह रहा मेरे कहीं आंगली को मार में थारो ढंग में बैठे चप्पा क्यों हूँ सारा का सारा कई साहब गाड़ी कत्ती होगी थाना के मायने रिपोर्ट ली है, प्रभारी नियुक्त करे कठासो कत्ती सारी रिपोर्ट सारी करार में थारो जापो थापो कट्टी दिल्ली के मायने तथी हिंदी की पूछ ताछ राहुल गांधी से, सोनिया गांधी जी से ही तो कम से कम 7-8 बार लोग ने दिल्ली बुलाया, पर मैं मेरे एक लोग जार थारो जापो थापो कर आयो। जयपुर के मायने बड़ी बड़ी रैली में खम जार जापो थापो कर आऊ, अठे थोड़ी मैं एक लोग ला दूंगा, अठे तो पोल खुलेगी थाना पर। पहले आज तक थाने कदे कदे ले जाके कदे चक्कर कटाया गया, आज कदे ठंड में ले जाऊंगा और लावांगा और दिन का लंगा मैं दूसरा का नहीं रोड़ो कर दूँ कर दूँ कर बताओ थाने कदे दिन का लातो कर गया ले कर गया ले। अब वे सारा लोग अच्छा हुए जरना तो फिर तालमेल पड़ा को अभी में कहे इको शॉर्टकट को है तो वो बता इको कोई थारगन शॉर्टकट है को ना। अब सबसे बड़ी बात है काम, आप थे लोग तो आप तो बड़ी बड़ी मीटिंग रे हेलीकॉप्टर उतर तार कदे आप पिलाने में देखे यार कदे अलदावता में देखे आपने तो कदे को उतरे उतरे आगे नेता के मंत्रियों का बेटा बेटी का ब्याह में मुख्यमंत्री को ना आप टूटे में लगा काल परसों बोले। अब दूसरो वो तो वर्तमान है, पर आगा को भी तो देखना पड़ेगा। अरे आडंगो अगलो को दे फ्यूचर को देखना पड़ेगा। भाई गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रह गया, जो टाइम हो रहा, अब अगलो सांग तो जचाणो पड़ेगा, जो सांग न जचाणे 44-44 करोड़ रुपया की सड़क ठुकगी के। तो था एक बात बता दो, नेता के बिना काम कौन चल रहा है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान भगवान का कौन बनाया, नेता का बनाया है। वो बांग्लादेश बना गोरियो, नेपाल बना गोरियो, हिंदुस्तान बना गोरियो, राजधानी दिल्ली बना गिरियो, हरियाणा रियो, राजस्थान रियो, पंजाब, ये सारा नेता का करे नहीं।
गुड्डो तहसील बना गो रूप तहसील बना गो रेडे कॉलेज बना गिरा सारा काम ले पंग खुल ले रहा रुपया की अठन्नी तोहफा घर ही छोड़ रहा बांगन भी मोबाइल है बेबी बे बांगनी बांकी भी घूमे चेप देखी शामिल करनो पड़ेगो जमानो बदल को तो लेडीज ने भी क्यों सुना धर्मपाल जत्री एक बजर है और कैपा को मतलब है कि अति बड़ी मीटिंग है। सबसे बड़ी बात मैं हार के नहीं खाता रहा हूँ कि अति बड़ी मीटिंग होगी कोई सोच कौन से कहा था का सारा रिकॉर्ड फाट जाना पड़े बारात बड़ी आ जा मंडो दब जा जाना पास के गत होगी बाहर का लोग बोला अगर ठाड़ा आदमी कमजोर पड़गा जरा मंडो तो भारी रहना पड़ेगा ना पहुंचाएगा तो आफा दे सारा थीचो कोई भी करवासु पहला ससु पहला जाके और कुणबा में भाई पाके मायने जाके बैठ बात करनी पड़े भाई कहीं से जचावा कोई भी थीचो थाम तो कुणबा का कुटुंब कबीला का परिवार का बैठ तय करे बना अब आ मीटिंग है। और सच बात है राजस्थान के मायने कोई भी नेतो मेरे लिए यार बात गुण करे कराई वही आल बाद है ना आते ना दिखोगा ना बिबिल जाएगी दो ही मिनट में गैल ने दूर नहीं दिखा तो ना आल बाद बिल जाएगी समझ जा रही है कि जखी आल बाद मैं करूं वह आल बाद करूं थारे पेटे जन आक्रोश की बात करें जगह धर्म की राजनीति करी जाति की राजनीति करी जगह धर्म आक्रोश की बात करी एक उप स्वास्थ्य केंद्र कौन बनाई एक स्कूल बना कौन बनाई एक कॉलेज कौन बनाई एक तहसील कौन बनाई कोई काम नाम की चीज को आक्रोश क्या को आक्रोश है 149 करोड़ रुपया टोल में चेप का मेरा थोड़ी लगा टोल में तो 1 रुपये को लगा चले जाओ और टोल तो गरीबों का लगा है 149 करोड़ रुपया का टोल में हाईकोर्ट की डबल बेंच को फैसला मेरा थोड़ी है हाई कोर्ट को डबल को चेपा चापी करे 149 करोड़ रुपया चेप गो ईमानदारी की बात करें कब जन आक्रोश की बात करें सबसे बड़ी बात जंगल को राजा शेर है ना कमजोरी भी मिल जावे शेर नहीं बच्चा दे दे जा बच्चा दूर का मायने रह जाए शिकार करवा चली गई तो बच्चा ने कोई मार गए और बच्चा घर बैठे तो भूखा मरेगी भी टाइम खराब टाइम भी को भी आवा शेर को भी खराब टाइम आवा एक ढेलो और एक पत्तो मैं तो बता रही हूँ 60 महीना के महीने 1 महीना तो वह कार्यकर्ता का और 69 महीना वह नेता का और आप बता रही थाने पूरी उदयपुर वाटी को ट्रांसफर में कोई पोस्टिंग में थाना में तहसील में कहते नयो पीसो कहते नयो पीसो कहते भ्रष्टाचार करे हो भी गहन को दौड़ मानो कहते कोई कास्ट सिस्टम करे हो कोई पक्षपात करे हो ऐसे खा लोग धर्म की राजनीति करे हिंदू मुसलमान कर दिया लोगों लड़ा दिया कास्ट की एक कास्ट की राजनीति करे इसको कोई बलोस कह के क्या क्या वह जाति अरे जाति के वह कोई एक आप मेरी जाति को आदमी दूसरा ने गलत माना को तो मैं भी को पक्ष ले इसको क्या कायदे को कोई कायदे